नासिर अब्दुल्ला, क्या वाकई कंगना रनौत पॉलिटिकल टूल बनी हुई है इस समय? आपको क्या लगता है? नासिर अब्दुल्ला बोलिए। मैं एक्चुअली उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता अभी, क्या है क्या नहीं, लेकिन गौरव भाटिया साहब जो बात एक्चुअली कह रहे हैं कि रिया ने किसी टीवी चैनल पे दो पे अपनी जो भी बात अपना पेश उनको करनी थी, उनको इस बात का हक बनता है कि अपनी सफाई वो मतलब एक टीवी की चैनल पे दे दें, क्योंकि सब लोग उनके बारे में बोल रहे हैं। सुशांत सिंह के बहुत ही क्लोज थी, उनका हक बनता है, लीगली उनका हक बनता है कि वो जो कहना चाहें कह दें। अगर वो झूठ बोल रही हैं तो सीबीआई वालों को मालूम हो जाएगा और वो जेल जाएंगे। दूसरी बात ये है कि रिया जब 8 घंटे सीबीआई के ऑफिस में बैठती है, उनके सारे सवाल के जवाब देती है, फिर वो जब घर जाती है तो 200 मीडिया के लोग गीदड़ों की तरह उसके पीछे पड़े हैं और माइक उसके पेट में घुसा रहे हैं कि बता ये बता वो बता। गलत है। एक औरत जिसको अभी तक दोषी नहीं करार किया गया है, उसको हक बनता है कि वो अपने अपने घर में शांति से जाके सो जाए। 200 लोग वहां पे खड़े हुए, ये गलत बात है। उसका नासिर जी एक सवाल मेरा है, मैंने आपसे सवाल कंगना रनौत पे पूछा, आप चले गए रिया चक्रवर्ती पे, मीडिया वाले उसके आंसू पोंछ रहे थे। नासिर अब्दुल्ला, मैंने आपसे सवाल पूछा कंगना रनौत पे, क्या आपको लगता है कंगना पॉलिटिकल टूल है? आई डोंट नो अबाउट कंगना। आपका कोई ओपिनियन नहीं है? मगर मेरा ख्याल ये है, आपका कोई ओपिनियन नहीं है उस पर? होना चाहिए। आपका उस पर कोई ओपिनियन नहीं है? गलत बात नहीं, कंगना ने जो ड्रग टेस्ट के लिए सबके लिए बोला है वो गलत है। शी शुड माइंड हर ओन बिजनेस। तो इसके लिए कंगना को ये कह देना चाहिए कि मुंबई मत आओ? नहीं, ये नहीं कहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कंगना को हक नहीं बनता पुलिस वाले से कहने का कि इसका ड्रग टेस्ट करा, उसका ड्रग टेस्ट करा। आप सबकी मां नहीं है यहाँ पे, आप अपना काम कीजिए और घर में जाके आराम कीजिए। मानवी तनेजा बोलिए अपनी बात, क्या कंगना रनौत पॉलिटिकल टूल बन गई है? क्या वो राजनीतिक हथियार हो गई है इस समय किसी राजनीतिक पार्टी का? नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो हिट के लिए बोल रही है, वो सिर्फ सच्चाई बोल रही है। वो चाहती है कि जो बॉलीवुड में नेक्सस है और जो बॉलीवुड में गंदगी चल रही है वो सामने बाहर आए। बिकॉज जैसे सुशांत की डेथ हुई है उसके बाद बहुत सारे नए खुलासे हुए हैं, सीबीआई के आते हैं बहुत सारे खुलासे हुए हैं। और जैसे कंगना इनिशियली स्टेज पर भी सुशांत के साथ थे और अभी भी वो काफी कुछ खुलासा कर रही है, तो उसमें एक ड्रग एंगल मिल गया है जिसकी वजह से कंगना ने बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अब जैसे इन्होंने बोला कि वो किसी की वो क्यों कर रही है सपोर्ट, वो इसी सपोर्ट कर रही है, वो बता रही है, वो इसलिए कह रही है कि आप ब्लड टेस्ट करो, ड्रग टेस्ट करो, उसी से तो साबित होएगा। बिकॉज ये अक्सर बोलते हैं कि एविडेंस नहीं है, तो एविडेंस नहीं है उसी के लिए तो कह रहे हैं कि आप टेस्ट करिए। अगर एविडेंस आपको लाने हैं तो उसके लिए आपको टेस्ट करना तो बहुत जरूरी है ना। तो नासिर जी ये नहीं समझ रहे हैं, तो किसी पे भी आरोप लगा दे उसका टेस्ट करवा ले बैठक है, किसी का भी वो नाम ले दे, कोई भी नाम ले दे, तो उसको टेस्ट कराने भेज दे जाके कि जाओ टेस्ट करा के लाओ, क्योंकि कंगना ने कहा है। उन्होंने कुछ लोगों का नाम लिया है, बिकॉज देखिए दिशा और सुशांत की जो डेथ हुई है वो कहीं ना कहीं रिलेट होती है ड्रग्स के मामले में, जैसे ड्रग्स का खुलासा हुआ है, तो वो 2-3 बंदों का भी वो नाम ले रही है, तो इसलिए टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, उसी से हम कोई ना कोई नतीजे पे आएंगे। बिकॉज ड्रग एंगल है, ड्रग्स मुंबई में है और ड्रग्स का पूरा माफिया है, तो उनको पकड़ना बहुत जरूरी है ना। अगर तो सुशांत की डेथ नहीं होती तो हमें ड्रग्स के बारे में पता ही नहीं लगता, क्योंकि सीबीआई आई है तो हमें ड्रग्स के बारे में पता लगा है ना, तभी ड्रग एंगल और ये चैट और इतने सारे खुलासे हुए। नहीं तो इसका ये तो बड़ा फिर तो सिस्टम बन जाएगा रवि श्रीवास्तव के, कोई भी किसी का भी नाम ले, कल को आके कोई कह दे कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ड्रग एडिक्ट है साहब इसकी जांच कराओ, कोई आके कह देगा देश का प्रधानमंत्री ड्रग एडिक्ट है साहब इसकी जांच कराओ, तो सबकी जांच कराने भक्त रहेंगे क्या? मानवी जी बोलिए रवि जी बोलिए। देखिए अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि कंगना रनौत वापस ये सुशांत सिंह के हत्याकांड वाले मुद्दे पे बयानबाजी कर रही थी, तो इनको जो विकास सिंह जो सुशांत राजपूत के वकील हैं उन्होंने वार्न किया था कि आप इसका एजेंडा अपना एजेंडा इस पे मत चलाइए। मेरा ये कहना है कि आप जहां से इतने अवार्ड जीती हैं, आप जिस धरती में रहती हैं, जहां आपके इतने प्रशंसक हैं, वहां पर अगर आप आके ये कहें कि मुझे इस पुलिस में विश्वास नहीं, मुझे इस सरकार में विश्वास नहीं, तो ये सिरे से गलत है। जहां तक भाषा संजय राउत की है, संजय राउत ने एक लाइन पहली अगर आप पढ़िए अंग्रेजी में लिखी है, वी काइंडली रिक्वेस्ट
कि भाई अगर आपको इतना ही डर लगता है तो मत आइए लौट करके। उन्होंने कोई धमकी नहीं दी है कि आपको धमकी कौन किसको दे सकता है, ये आजाद देश है भाई। रवि जी आप अच्छे से जानते हैं, रहने का हक है, आप अच्छे से जानते हैं शिवसेना का प्यार और शिवसेना का गुस्सा कैसा है। आपसे बेहतर कौन जानता होगा, आज आलोक से याद करवाऊं आपको कि कैसा होता है। जो मेरे मित्र अभी बीजेपी की बात कर रहे थे, वो 30 साल से गले में हाथ डाले शिवसेना से, दोनों बैठ के बीएमसी में धंधा कर रहे हैं, आज इनको वो कुंठित और जिहादी लगने लगी। अब सोनिया सेना है, कुंठित और जिहादी लगने लगी। 30 साल से वो यहाँ बैठ के दोनों धंधा कर रहे हैं मुंबई में, वो इनको नहीं दिखाई दिया। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।